डुमरियागंज सिद्धार्थनगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर डुमरियागंज में सचिदानंद पांडे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बढ़े हुए बिजली के दामों के खिलाफ मोमबत्ती और लालटेन के साथ एक जुलूस निकाला, जिसमें यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल खत्म करने की मांग की गई। बाड़मेर जिले के बिसारणिया ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम गंगा देवी की लोगों ने शिकायत की तो जांच पर धोरीमन्ना ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी तेजपाल भाकर बिसारणिया आए, पर यहां जांच करने के बजाय एएनएम गंगा देवी के बचाव कार्य करने में लगे हुए हैं। शिकायतकर्ता कौशला राम ने अपने बयान दिए तो जांच अधिकारी ने गंगा देवी की गलती को स्वीकार किया, जो वीडियो व ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा है, पर इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की और मौखिक बयानबाजी करके वहां से चल दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बाद में शिकायतकर्ता ने फोन पर बाड़मेर जिला सीएमएचओ अधिकारी कमलेश चौधरी से बात की। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का बार बार वीडियो व ऑडियो वायरल होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फांसियों को लोगों ने मानो जैसे व्यापार बना लिया हो, लगातार फांसियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फांसियों के जरिए इमोशनल अत्याचार कर औरतों ने जैसे लोगों को डराने के लिए इसे अपना व्यापार बना लिया है। औरतें फांसी लगाकर मर्दों को डराने का प्रयास करती हैं, लेकिन डराते डराते वह खुद ही अपने जान से हाथ धो बैठती हैं, जिससे परेशान होते हैं पुलिस प्रशासन। आपको बताते चले कि एक ऐसा ही मामला देखने में आया है थाना तंबोर के ग्राम महमदपुर में। यहां पर नव विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। कानपुर के हेल्थ हॉस्पिटल के एमआरआई सेंटर में डॉक्टरों की लापरवाही से एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची ने एमआरआई मशीन के अंदर ही दम तोड़ दिया, लेकिन एमआरआई करने वालों को पता ही नहीं चला। बच्चे के माँ बाप ने जब देखा बच्ची हिलडुल नहीं पा रही तो उन्होंने उसको ले जाकर एमरजेंसी में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कानपुर मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल वाले इस हॉस्पिटल का यह सेंटर 1 साल से बगैर रिन्यूअल से चलाया जा रहा है। तो कैसे क्या हुआ फिर? वो बच्चा अच्छा था, बोल रहा था, वहाँ से डॉक्टर ने भेजा, MIR करवा किया इसको, उसको करवा के वहाँ ले जाके पहले इसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद उसको मशीन के अंदर डाला 1.5-2 घंटे। 9,000 पूरा पूरा ले लिया, उसके बाद फिर उसको निकाला बाहर, फिर इंजेक्शन दिया, फिर अंदर डाला 1.5-2 घंटे के लिए, उसके बाद निकाला तो वो एकदम नीली पड़ गई थी। हाँ, MRI करने के लिए लेके आए थे और यहाँ पर बेहोश करके अंदर डाले और वो बच्ची एक्सपायर हो गई, वहाँ से हमको बताए भी नहीं, अंदर भी एक इंजेक्शन लगाए और उधर साइड में रख दिया, हमको बताए भी नहीं कि बच्ची एक्सपायर हो गई। हम देख रहे हैं उसका हाथ पैर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, और इनको बुला रहे हैं तो सब इधर इधर भाग रहे हैं। 9,000 रुपये अभी सुबह सुबह तक दिया, 1 रुपये कम नहीं किए हैं। आपको यहाँ क्या क्या लाए हैं? क्या करके जाँच करने के लिए सर ने भेजा तो डॉक्टर साहब ने। बच्ची पहले से बीमार थी क्या? ज़्यादा बीमार नहीं थी, बोल रही थी, यहाँ से आते बोल रही थी, सब हो रही थी। हम लोग यहाँ तो MRI कराने आया था, बच्चा ब्रेन और स्पाइन का होना था विद कंट्रास्ट होना था, तो उसको एक हम लोगों ने माइल्ड टाइप का सिडेटिव एक दिया, वो फोर्टविन फिनार्गन होता है, वो उसको 1 ml के करीब वो इंजेक्शन दिया गया इंट्रामस्कुलर। और उसके बाद वो बच्ची जब सो गई है उसको हम लोगों ने दिया है 10 बजे के आसपास, और हुआ है इसका जाके 12 के 12:30 के आसपास हुआ है। उसके बाद वहाँ पे चूँकि MRI विद कंट्रास्ट था तो हम दूसरा इंजेक्शन कोई सोने का नहीं दिया गया, जो MRI में कंट्रास्ट लगता है वो उसको दिया गया है अंदर, क्योंकि उसका आया ही ब्रेन विद स्पाइन विद कंट्रास्ट आया था, तो वो अंदर कंट्रास्ट दिया गया और कंट्रास्ट लग के फिर उसका आगे का हुआ, और पूरा जब उसका हो गया है उसके बाद वो बाहर बच्चा आया है तब तक ठीक था, फिर उसके बाद 10-15-20 मिनट बाद उसके अटेंडेंट ने कहा कि आके देख लीजिए, हम लोगों को बच्चा सही नहीं लगा। ये बताइए, दो एक नींद का बेहोशी का और कंट्रास्ट, दो इंजेक्शन लगा? हाँ, दो लगे। मैं अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, कितने महीने से पेंडिंग पड़ा है? ये गई हुई है
हमारे ख्याल से साल भर हो गया होगा, तब से वो डीजीएमई हम लोग लिख के उसके बाद भी दो तीन बार दे चुके हैं प्रिंसिपल को भी और डीजीएमई ऑफिस में भी। तो उन्होंने कहा कि आप एज ए स्टेटस को मेंटेन रखें और इसी में भी करें, फिर हम इसको जो है देखेंगे। तो भी फाइल आपकी रिन्यूअल नहीं है? पर रिन्यूअल के लिए तो हम लोग भेज चुके, ये तो ऊपर से शासन से जब आएगा तब होगा। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील के रोटी गांव में लगभग आधा सैकड़ा लोग वायरल फीवर की चपेट में आकर बीमार पड़े हुए हैं। वहीं पूरे गांव में फैली बीमारी से लोग बेहाल हैं। वायरल फीवर की चपेट में आने से एक युवक की इलाज के दौरान ही मौत के बाद डॉक्टरों की टीम गांव में डेरा जमा कर बैठी है। गाँव वालों की माने तो गाँव में फैली गंदगी के कारण पूरे गाँव के लोग बेहाल हैं। कई बार ग्राम प्रधान से सफाई की शिकायत की, लेकिन प्रधान ने साफ सफाई नहीं करवाई। गांव में चारों ओर लगा कूड़े का ढेर और जमा पानी होने से बीमारियां फैल रही हैं। अगर सामान्य वायरल भी है तो चार पांच दिन में ठीक होता है, तो दो टिकिया कम है। तो डीएम सर से बात करके एक मेडिकल टीम कल पुनः रोटी जाएगी, ये वहाँ सुनिश्चित कराया। DPRO साहब और BDO साहब को वहीं से फोन पर बताया कि गांव में जो गंदगी व्याप्त है उसे आप अपनी टीम भेज करके सफाई करवा दें, और वहां हमारे लेखपाल साहब बैठे। हिंडौन उपखंड के गांव कचरौली में चल रही चार दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन 4 सितंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कचरौली के प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि खेलों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है एवं विजेता खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप शील्ड वितरित की गई।